हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल मैथ्स। आज आपका जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, जो 2019 से लेकर 20 तक ला है दोस्तों, जो भी आए हैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कैसे पूछता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक से पूछता है दोस्तों वो देखिए। और सबसे भी आई है दोस्तों, ये क्वेश्चन बैंक का है दोस्तों, 2019 से लेकर 2020 तक लग के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और हर साल के एग्जाम में दोस्तों 5 से 6 नंबर का डिफरेंशिएशन पूछता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं कैसे आंसर आता है दोस्तों, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो बताने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें दोस्तों, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि डी ऑफ साइन 4xy dx बराबर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो जो ऑप्शन ए में है दोस्तों 4sin x होगा, बी में दोस्तों 4cos 4x होगा, और सी में दोस्तों 4x(sin x) होगा, और डी में दोस्तों 4x(cos 4x) होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि साइन का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है, और ये जो थीटा में रहता है कॉस्टेंट वो सिर्फ खाली बाहर होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेक एक्स का डिफिनिशिएशन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये बेसिकली क्या है दोस्तों, फार्मूला है। तो आप फार्मूला पे कमांड रखेगा दोस्तों, तो आपको 2 से 3 नंबर ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब इसका sec x का डिफिनिशिएशन करिएगा दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, sec x(tan x), इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है डी ऑफ लॉग ऑफ cos e का पावर x dx पूछ रहा है दोस्तों, इज इक्वल टू क्या होगा। तो जब इसका आप डिफिनिशिएशन करिएगा ना दोस्तों, ये चैन रूल पे तोड़ के, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फोर नंबर क्वेश्चन है कि d e का पावर cos x dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही पूछा है दोस्तों क्वेश्चन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनिशिएशन हमने NCERT का 5 पॉइंट बताया दोस्तों, अगर सोल्यूशन आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, e का पावर x रह जाएगा, ये पूरे पावर वाले रह जाएगा, लेकिन cos का डिफिनेशन क्या होता है, -sin x। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, cot inverse x का डिफिनिशिएशन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये भी एक फार्मूला है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा -1y1+x², ठीक है दोस्तों। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफिनेशन पूछ रहा है √tan x का दोस्तों क्या हो जाएगा। तो ये तो चैन रूल अप्लाई होगा दोस्तों इसमें। तो देखिए दोस्तों, इस वाले रूट वाले जो भी रहता है, तो उसका रूट का डिफिनिशिएशन आपको पता ही होगा कि 1/2 √x। तो ये तो पूरा काम कर जाएगा √x का दोस्तों, और टेन का डिफिनेशन क्या होता है, sec² x। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेवन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉग एक्स, ये भी एक फार्मूला है दोस्तों। तो लॉग एक्स का डिफिनिशिएशन आपको पता होना चाहिए क्या होगा। तो जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। एट नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफिनिशिएशन कह रहा है टेन इनवर्स एक्स का, ये भी एक फार्मूला है दोस्तों। ये सब प्रीवियस ईयर्स का है दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसका साइन इनवर्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1y√1 - x² होगा दोस्तों, ठीक है। नौ नंबर देखिए क्वेश्चन दोस्तों, नौ नंबर कह रहा है क्या कि डिफिनेशन साइन स्क्वायर का बताएं दोस्तों। तो इसको अभी हम बताए थे दोस्तों पिछले वीडियो में, चैन रूल इसमें अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। साइन स्क्वायर को आप तोड़ सकते हैं क्या दोस्तों, sin x × sin x, इस वाले फार्मूले u × v दो प्रोडक्ट के मतलब मल्टीपल के रूप पे तोड़िएगा दोस्तों। तो जो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेन एक्स का डिफिनिशिएशन पूछ रहा है दोस्तों। तो टेन एक्स एक फार्मूला है दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों sec² x। यहाँ देखिए दोस्तों, ग्यारह नंबर क्वेश्चन, यदि y = log√x है दोस्तों, तो
तो पूछ रहा है कि डी वाई वाई डी एक्स का मान क्या होगा दोस्तों। तो जो इसका मान होगा ना दोस्तों, अगर इसका आप सॉल्व करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक्स के पावर एम इंटू वाई का पावर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर एम प्लस वन, तो डी वाई वाई डी एक्स पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, वाई बट्टा एक्स, ठीक है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स, तो पूछ रहा है दोस्तों कि डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा। तो ऑप्शन चार है दोस्तों, तो इस चार ऑप्शन में से कोई तो एक ही राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफिनेशन करना है लॉग ऑफ सेक प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का पूछ रहा है दोस्तों इज इक्वल टू क्या होगा। चार ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, तो इसमें सबसे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, सेक एक्स, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि यदि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर हॉल पावर है दोस्तों 5, तो पूछ रहा है डी वाई वाई डी एक्स की बात करें, तो जो इसका भी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, वाई बट्टा एक्स होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफिनेशन पूछ रहा है कि टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों। तो जो इसका आंसर ऑप्शन ए में दोस्तों पाई होगा, बी में दोस्तों वन होगा, सी में दोस्तों जीरो होगा, डी में दोस्तों टू एक्स वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो जो इसका आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा सी, जीरो, ठीक है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो पूछ रहा ना, तो कह रहा है कि एक्स बराबर पाई अंडर रूट पाई रखना है दोस्तों, पर डी वाई वाई डी एक्स का मान फिर पूछ रहा है क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों वन होगा, बी में दोस्तों पाई बाई फोर होगा, सी में दोस्तों जीरो होगा और डी में दोस्तों कैंडर रूट पाई होगा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 18 नंबर कह रहा है कि लिमिट एक्स का पावर फाइव माइनस ए का पावर फाइव एक एक्स टेंड टू, और इसका डिफिनिशिएशन पूछ रहा है दोस्तों इस वाले को, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है दोस्तों कि फाइव एक्स का पावर फोर होगा, बी में दोस्तों फाइव एक्स के पावर फोर होगा, सी में दोस्तों वन होगा और डी में दोस्तों जीरो होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, जीरो आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, साइन का डिफिनिशिएशन पूछ रहा है दोस्तों, तो साइन का डिफिनिशिएशन क्या हो जाता है कॉस, तो ऑप्शन ए इज सही होगा दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टेन ए एक्स पूछ रहा है दोस्तों, डिफिनिशिएशन बताइए टेन ए एक्स का, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना दोस्तों वो हो जाएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स, बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब जानते हैं दोस्तों कि इनवर्स में आपको बताया हुआ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का पाई बाई टू है दोस्तों, अब जब कॉस्टेंट का डिफिनिशिएशन करिएगा ना तो जीरो होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज सही होगा दोस्तों, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई बराबर साइन ऑफ लॉग एक्स तब डी वाई वाई डी एक्स पूछ रहा है दोस्तों, तो साइन का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों कॉस, और लॉग का डिफिनेशन क्या होता है वन बाई एक्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ये हो जाएगा वन वाई एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है दोस्तों। 23 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर फाइव तो डी वाई वाई डी एक्स, ये तो बहुत सिंपल वाले रूल पे है दोस्तों, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों वो हो जाएगा सी, फाइव बार हो जाएगा और एक बार घट जाएगा यानी कि एक्स का पावर फोर होगा, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स एक बेसिकली फार्मूला है दोस्तों, तो जो इसका इसका जो जब डिफिनिशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों माइनस वन वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिफिनेशन पूछ रहा है दोस्तों कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी आपको इनवर्स में बताया हुआ है दोस्तों पाई बाई टू होता है, और कॉस्टेंट का डिफिनिशिएशन हमेशा जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कॉस का डिफिनेशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है दोस्तों, और लॉग का 1 बाई एक्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यू है तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका भी तो इस सिंपल मेथड पे है दोस्तों, तो 3 पावर बाहर हो जाएगा, 1 पावर घट जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों ए, ठीक है। अट्ठाईस नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे यदि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर क्यू है तो डी वाई वाई डी एक्स बताइए। तो ये भी चैन रूल पे अप्लाई होगा दोस्तों, चैन रूल पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफिनेशन कॉस एक्स होता है दोस्तों, और एक्स का करिएगा तो 3x² आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों सी, ठीक है। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, यदि y इज इक्वल टू 10² x तो बताए डी वाई वाई डी एक्स क्या होगा दोस्तों। तो देखिए ये भी एक चैन रूल पे ही अप्लाई होगा दोस्तों, 2 बाहर हो जाएगा और 2 tan, और tan का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों, sec स्क्वायर। तो इसको करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों डी, ठीक है। 30 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि डिफिनेशन करें sin अंडर रूट एक्स का। अब देखिए दोस्तों, साइन का डिफिनेशन क्या होता है, कॉस एक्स, और अंडर रूट का हो जाएगा 1/2√x। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यदि वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स है दोस्तों, ठीक है, तब डी वाई वाई डी एक्स ज्ञात कर रहे कह रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया 1 दोस्तों, बी में लॉग एक्स, और सी में दोस्तों लॉग ऑफ ई एक्स, और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 y x - 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 y x + 1 तो डी वाई वाई डी एक्स कह रहा है याद करने दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सेक का कॉस से रिलेशन होता है दोस्तों, तो इसको जब कॉस में आप कन्वर्ट करिएगा ना दोस्तों, तो ये आ जाएगा ई माइनस वाले ऊपर चल जाएगा, प्लस वाले नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों कॉस में टर्म है और साइन टर्म है, तो इसका पाई बाई 2 आ जाएगा मान दोस्तों। अब पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का हमेशा 0 होता है दोस्तों, ठीक है, जब डिफिनिशिएशन करिएगा तो 0। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी दोस्तों, ठीक है। 33 नंबर देखिए दोस्तों, डी 2 के पावर 1 से बाई डी 3 के पावर 1 से दोस्तों, इसका पूछ रहा है कि डिफिनिशिएशन क्या होगा। ऑप्शन ए में ये है दोस्तों, बी में इतना है, सी में इतना है दोस्तों, और डी में इतना है। तो जब इसका करेक्ट आंसर होगा ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि वाई इज इक्वल टू, इसी से रिलेटेड है देखिए दोस्तों, यहाँ फिर माइनस में आया, सेम क्वेश्चन है पर वहाँ एक्स था, यहाँ अंडर रूट है दोस्तों, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। और 35 नंबर का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।